दोस्तों अगर आप भी रोहित शर्मा, शुभमन गिल और कोहली को अच्छा बल्लेबाज मानते हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों छक्कों की बारिश से बांग्लादेश के उड़ाए पुणे में रोहित शर्मा ने परखच्चे, फिर शुभमन गिल और विराट कोहली ने मिलकर पलट दिया पूरा मुकाबला। ऐसे जीता भारत की देखकर आपके भी उड़ जाएंगे होश। तो दोस्तों आपको पूरी बल्लेबाजी भारत की वीडियो में दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि रोहित शर्मा, शुभमन गिल और विराट कोहली में से कौन अच्छा बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों भारत और बांग्लादेश के बीच महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम पर वर्ल्ड कप के 17वें मुकाबले का शुभ आरंभ हुआ। और दोस्तों इस मुकाबले के साथ भारतीय कप्तान रोहित शर्मा भले टॉस नहीं जीत पाए, लेकिन बांग्लादेश की टीम के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी और 50 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 256 रन भी बना डाले और भारत के आगे लक्ष्य रख दिया 257 रन का। हालांकि दोस्तों यह मैदान वैसे भी गेंदबाजों के लिए ज्यादा अनुकूल माना नहीं जाता। इस मैदान पर तो माना जा रहा था कि पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम अगर 300-350 रन का लक्ष्य सामने वाली टीम को देगी तो आसानी से मैच अपने नाम कर पाएगी, लेकिन दोस्तों बांग्लादेश की टीम यह कर पाने में कामयाब नहीं हो पाई। हालांकि बांग्लादेश को शुरुआत तो अच्छी मिली थी क्योंकि तंजीद हसन और लिटन दास ने मिलकर पहले विकेट के लिए 93 रन जोड़ दिए थे। तो वहीं इन दोनों के आउट हो जाने के बाद कोई भी बल्लेबाज अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया। इस दौरान महमदुल्ला ने 46 रन जरूर बनाए, लेकिन दोस्तों यहाँ पर यह पारी कारगर साबित उतनी हुई नहीं जो कि टीम के स्कोर को 300 रन के पार पहुंचा सके। और दोस्तों भारत की तरफ से सबसे ज्यादा दो दो विकेट इस मैच में बुमराह, सिराज और जडेजा के नाम रहे और एक एक विकेट शार्दुल ठाकुर और कुलदीप यादव को मिला। अब दोस्तों बारी थी भारतीय बल्लेबाजों की इस मैदान पर अपना करिश्मा दिखाने की। और जब रोहित शर्मा और शुभमन गिल पारी की शुरुआत करने के लिए आए तो दोनों बल्लेबाजों ने पहले ही ओवर से ये बता दिया कि आज वो मैदान पर कैसा प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। दरअसल दोस्तों हुआ ये कि रोहित शर्मा ने अपना वही अंदाज जारी रखा जो कि वर्ल्ड कप में उनका लगातार चलता चला आ रहा है। और यहाँ पर रोहित शर्मा का बल्ला तो थमने का नाम ही नहीं ले रहा था, तो वहीं दूसरे छोर पर शुभमन गिल भी फिर उनकी बल्लेबाजी देख लेने के बाद कहाँ पीछे रहने वाले थे। दोनों बल्लेबाजों ने 50 रन की साझेदारी को तो मात्र 7 ओवर में ही अंजाम दे दिया था। और यहाँ बांग्लादेशी कप्तान नजमुल हुसैन सांटू काफी ज्यादा दिक्कतों में नजर आ रहे थे। वो हर पल यही ढूंढते चले जा रहे थे कि आखिर रोहित शर्मा को कैसे जाल में फंसाया जाए। लेकिन दोस्तों रोहित शर्मा ने तो आज अपने इरादे बना रखे थे कि वो मैदान पर कुछ कर दिखाएंगे और आज रोहित शर्मा का बल्ला इस तरह से चलेगा इसका अंदाजा तो पूरे देश को भी नहीं था। और देखते ही देखते रोहित शर्मा का यहाँ पर अर्धशतक भी हो जाता है। इस दौरान रोहित शर्मा ने अपने शतक की ओर आगे कदम बढ़ा दिए थे, लेकिन यहाँ पर फिर शुभमन गिल को नसूम अहमद और हसन महमूद ने काफी ज्यादा दिक्कतों में डाला, लेकिन शुभमन गिल भी संभल जाने के बाद आतिशी बल्लेबाजी करते हुए नजर आए और दोनों बल्लेबाजों की बदौलत टीम इंडिया ने शतकीय साझेदारी को भी बस 20 ओवर के भीतर ही पार कर लिया था। और यहाँ पर दोस्तों रोहित शर्मा और शुभमन गिल के बाद विराट कोहली, सुरेश अय्यर, केएल राहुल, हार्दिक का भी आना बाकी था जो कि आसानी से इस मुकाबले को पलटने का दम रखते थे। तो दोस्तों यहाँ पर रोहित शर्मा, शुभमन गिल की ऐसी शुरुआत देख लेने के बाद अब आप सभी की क्या राय है भारतीय टीम की बल्लेबाजी के बारे में और आप भारत के बल्लेबाजों को 10 में से कितने नंबर दोगे? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।